हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरन सर क्लासेस। आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं लेसन नंबर 9 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बोली चैप्टर से हैं, रिटन बाय के ए अब्बास। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग, यानी सुलेखा जो है हकलाकर क्यों बोला करती थी। तो सुलेखा वॉज 10 मंथ्स ओल्ड, जस्ट वो 10 मंथ की थी, तो तभी जो है वो चारपाई से गिर गई और वो अपने सिर के बल गिरी, जिसकी वजह से कुछ उसके हम कह सकते हैं ब्रेन का पार्ट जो है डैमेज हो गया था। एंड शी कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, और 5 साल की एज तक तो वो बोल भी नहीं पाती थी, और एट लास्ट जब उसने देखी कि बोलना शुरू किया, बट शी स्टैमर्ड बैडली, तो देखिए वो जो है हकलाती भी है, उसको जो वर्ड्स क्लियर नहीं हो पाते थे। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस वॉज बोली सेंट टू स्कूल, यानी किस अनयूजुअल रीज़न की वजह से बोली को स्कूल में भेजा गया। तो बोली की जो मदर है, शी वॉज अगेंस्ट सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल, वो नहीं चाहते थे कि लड़कियाँ स्कूल में जाए। एंड शी थॉट नोबडी मैरिड सच गर्ल्स, उसको ये लगता था कि कोई भी जो है ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करता। बट बोली वॉज नॉट गुड लुकिंग, और बोली जो है गुड लुकिंग भी नहीं थी, देयर वॉज नो चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, और ना ही उसके जो है शादी की कोई चांस है। तो शी वॉज हम कह सकते हैं शी वॉज थॉट टू बी अ बिग ट्रबल फॉर द फैमिली, और ऐसा माना जाता था कि शायद वो फैमिली के तो बहुत बड़ी मुसीबत है। एंड टू गेट रिड ऑफ हर, और उससे छुटकारा पाने के लिए जो है उसको स्कूल में भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड रामलाल्स वाइफ एग्री टू सेंड बोली टू स्कूल, रामलाल की वाइफ जो है उसको स्कूल भेजने के लिए क्यों एग्री कर जाती है। तो जैसा कि हमें स्टार्टिंग में बताया जाता है, द वाइफ वॉज अगेन सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल एंड शी थॉट नोबडी मैरिड सच गर्ल्स, बट देयर वॉज नो चांस ऑफ बोली गेटिंग मैरिड, शी वॉज नॉट गुड लुकिंग एंड शी लैक्ड सेंस, और उसके जो है कॉमन सेंस भी नहीं थी। तो उससे छुटकारा पाने के लिए जो है मदर एग्री कर जाती है उसको स्कूल भेजने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड बोली फील दैट शी वॉज गोइंग टू टू अ बेटर प्लेस देन हर होम, तो ऐसा क्या लगा बोली को कि हाँ वो कम से कम जो है एक अच्छी जगह पे जा रही है एज़ कम्पेयर टू हर होम। तो बोली नेवर गॉट एनी गुड क्लोथ्स टू वियर, शी गॉट ओनली द ओल्ड ड्रेसिस ऑफ हर सिस्टर्स, बट दैट डे शी वॉज गिवन अ न्यू ड्रेस, क्योंकि देखिए उसको जो है ना पहली बार ऐसा हुआ था कि जब स्कूल की वजह से ही नए कपड़े मिले, क्लीन कपड़े दिए गए। एंड शी वॉज बेथ, उसको जो है नहलाया जाता है, ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर हेयर, और उसके बालों में तेल लगाया जाता है। एंड सो शी फेल्ट शी वॉज गोइंग टू अ बेटर प्लेस दैन हर होम। क्वेश्चन नंबर 5, वट डिड भोली रिलेट द पिक्चर्स ऑन द स्कूल वॉल टू, अब जो उसने अलग अलग पिक्चर्स देखी तो वो किस चीज़ को सिम्बोलाइज करती है। यानी द बोली सॉ पिक्चर्स ऑफ अ हॉर्स, अ गोट, अ पैरट एंड अ काउ, द हॉर्स वॉज ब्राउन लाइक द तहसीलदार्स हॉर्स, एंड द गोट वॉज ब्लैक लाइक देयर नेबर्स गोट, द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स इन द मैंगो गार्डन, एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर ओन काउ, और उसकी अपनी काउ का नाम क्या था, लक्ष्मी। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड द टीचर्स काइंड ट्रीटमेंट चेंज बोलीज व्यूज अबाउट स्कूल, अब टीचर के एक अच्छे व्यवहार ने बोली का स्कूल के बारे में विचार कैसे बदला। तो बोलीज टीचर स्पोक टू हर वर्ड्स ऑफ ग्रेट एनकरेजमेंट, बोली के टीचर ने उसे बड़े अच्छे से बात की, एंड शी सैड वन डे बोली वुड बिकम द मोस्ट लर्नड गर्ल इन द विलेज, वो कहते तुम जो है बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की बन जाओगी पूरे गाँव में। और ये जो वर्ड्स हैं, यानी दीज वर्ड्स फिल्ड बोली विद अ न्यू होप, दस द टीचर्स काइंड एंड सिंपथेटिक ट्रीटमेंट चेंज बोलीज व्यूज अबाउट स्कूल, इसी वजह से बोली के जो स्कूल के बारे में विचार बिल्कुल अब बदल गए। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड बोली मैरिज टू बिशंबर नॉट टेक प्लेस, बोली की शादी बिशंबर से क्यों ना हो पाई। तो बिशंबर सॉ ब्लैक पोक मार्क्स ऑन बोलीज फेस, उसने जो है बोली के फेस पे ब्लैक जो पोक मार्क देख लिए थे, एंड ही रिफ्यूज टू मैरी हर अनलेस ही वॉज गिवन 5,000 रुपीज़, और वो कहते हैं जब तक मुझे जो है पैसा नहीं मिलेगा मैं शादी नहीं करूँगा। तो रामलाल गेव हिम द मनी, बट बोली कॉल्ड बिशंबर अ मीन एंड ग्रीडी पर्सन, शी रिफ्यूज टू मैरी हिम, वो कहती ये बहुत गलत इंसान है, एक लालची इंसान है, तो वो कहती मैं इससे शादी नहीं करूँगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इज़ द आर्टिस्ट इन द स्टोरी बोली, वट इज़ द मास्टरपीस, अब देखिए आपको मास्टरपीस की बतानी है इसमें।
यानी बोल इज़ टीचर, इज़ द आर्टिस्ट एंड द मास्टर पीस इज़ बोली। अब देखिए मास्टर पीस यहाँ पर बोली है, और क्या रीज़न है कि द टीचर फील्ड बोली विद ग्रेट करेज। टीचर ने बोली में बहुत सारा करेज और कॉन्फिडेंस ला दिया था। और इसके अलावा जो है, शी वॉज नो लॉन्गर ए गर्ल हु लैक्ड सेंस, और शी गेव विशंबर अ बिफिटिंग ट्रीटमेंट, और उसको बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट इन द सेंस कि उसके साथ वैसे ही व्यवहार किया जैसा उसने आगे पहले किया था विशंबर ने। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई वॉज रामलाल वरीड अबाउट बोली एंड नॉट अबाउट हिज अदर चिल्ड्रन। तो देखिए रामलाल के जो हैं तीन बेटे हैं, चार जो हैं बेटियाँ हैं, और जो सन हैं हम कह सकते हैं कि दे हैव बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी। एंड अगर हम उसकी डॉटर्स की बात करें तो राधा जो है वो एल्डेस्ट है, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। जो सेकेंड डॉटर है मंगला, उसकी भी इंगेजमेंट हो चुकी है। और जो थर्ड डॉटर है चंपा, वो भी गुड लुकिंग है। तो रामलाल जो है उनके बारे में वरीड नहीं है, लेकिन बोली जो सबसे यंगेस्ट है, तो जब वो 10 मंथ की होती है वो चारपाई से गिरती है, उसके जो ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है, एंड सो शी रिमेन्ड मेंटली बैकवर्ड। सो व्हेन शी वॉज 2 ईयर्स ओल्ड, तो उसको जो है अटैक आता है एक स्मॉल पॉक्स का, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर जो है पोक मार्क्स हो जाते हैं ब्लैक कलर के, और वो हकलाती भी है, क्लियरली भी नहीं बोल पाती। द फादर वॉज नेचुरली वरीड अबाउट हर, फादर इसीलिए उसको लेकर थोड़ा सा परेशान है। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, एंड आई फील दे आर गोइंग टू बी अ ग्रेट help to you in your board exams as well. So thank you really very much for watching Taran Sir classes, and don't forget to like, share and subscribe this YouTube channel. Have a nice day.